खबर सहारनपुर से है, जहां कोरोना काल में अपनी व अपनों को बचाने की जद्दोजहद में इंसानी संवेदनाएं दम तोड़ रही हैं। वहीं कुछ लोग इंसानियत की मिसाल कायम करते हुए मृतक के अंतिम संस्कार के लिए रामदूत बनकर सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सहारनपुर शहर की काशीराम कॉलोनी से सामने आया है, जहां एक 60 वर्षीय वृद्धा अपने परिवार से अलग अकेले रहती थी और उसका एकमात्र बेटा कहीं बाहर काम करता है। महिला की मौत हो गई। मौत के बाद आसपास के लोगों ने महिला का अंतिम संस्कार करने के बजाय शव को घर में ही पड़ा रहने दिया। बताया जाता है कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अनुज मेहरा को एक फ़ोन के माध्यम से मामले की जानकारी मिली, तो वह महासभा के वेस्ट यूपी अध्यक्ष विश काम्बोज और अपने अन्य साथियों को साथ लेकर मौके पर पहुंचे और उन्होंने अंतिम संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री जुटाई और उनका अंतिम संस्कार किया। खबर भदोही से है, जहां भदोही जनपद के खमेरिया नगर में पुलिस के द्वारा आशंकित कर्फ्यू के दौरान सड़कों पर निकलने वाले लोगों की जमकर पिटाई की जा रही है। पुलिस के द्वारा लोगों की हुई पिटाई के एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। मथुरा गांव नरहोली निवासी समस्त बालिक समाज के लोगों ने न केवल थाना हाईवे में दबंग ओम प्रकाश की शिकायत की, बल्कि थाने का घेराव किया, जहां उन्होंने आरोप लगाया है ओम प्रकाश द्वारा कोरोना काल में अपने सैकड़ों सुअर गांव नरौली में छोड़े गए हैं, जिनसे गांव में गंदगी का माहौल बना हुआ है। खबर हापुड़ से है, जहां उत्तर प्रदेश की जनपद हापुड़ में कोरोना संक्रमण को देखते हुए डीएम एसपी ने जनपद के स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण कर चिकित्सकों व स्टाफ से मरीजों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए, तो वहीं डीएम ने निरीक्षण से विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों में भी हड़कंप मचा दिया। खबर कनौज से है, जहां एक तरफ केंद्र सरकार व राज्य सरकार महिलाओं को लेकर बड़े बड़े वादे करती है, वहीं सदर कनौज में बुजुर्ग महिला के साथ हैवानियत स्थिति नजर आई है। कनौज में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। उसके साथ मारपीट कर उसकी आंख, कान और प्राइवेट पार्ट को लहूलुहान कर दिया गया और उन्हें जख्मी हालात में परिजन लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां से उनको कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया। खबर शाहजहांपुर से है, जहां कोरोना की दूसरी लहर में हर रोज कुछ ऐसी कहानियां सामने आती है जो झंझोर के रख लेती हैं। दिन भर में कई वीडियोस और फोटो दिख जाती हैं, जिन्हें देखकर हिम्मत जवाब देने लगती है, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें भी होती हैं जिन्हें देखकर आशा की एक नई किरण महसूस होती है। कुछ ऐसी ही तस्वीर यूपी के शाहजहांपुर से सामने आई है, जहां एक मुस्लिम लड़की ने एक अलग ही मिसाल कायम की है। यह लड़की आज घर घर जाकर लोगों को ऑक्सीजन पहुँचा रही है, जिसे आज हर कोई ऑक्सीजन वाली बेटी कहकर पुकार रहा है। खबर गाजियाबाद से है, जहां कोरोना काल में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर और उसके उपकरण की कालाबाजारी जोर पर है। कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए गाजियाबाद पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। गाजियाबाद में और थाना कवील नगर पुलिस टीम ने ऑक्सीजन सिलेंडर पर लगने वाले ऑक्सीजन फ्लो मीटर की कालाबाजारी करने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के महाराजगंज जिले में परसामल्लिक थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 10 वर्षीय नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। दुष्कर्म का आरोप उसी गांव के रहने वाले 3 लड़कों पर लगाया गया है। पीड़िता और तीनों आरोपित सभी नाबालिग हैं। आरोप है कि उसी गांव के रहने वाले हैं। लड़कों ने नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर नहर के पास बुलाया और फिर बारी बारी पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। खबर मथुरा से है, जहां राजस्थान के डिग क्षेत्र में दबिश देकर लौट रहे गोवर्धन थाना के दरोगा की कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरी। घटना में दरोगा के शरीर में गंभीर चोटें आई हैं।
राहगीरों की सूचना पर गोवर्धन थाना पुलिस ने घायल दरोगा को उपचार के लिए मथुरा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। दरोगा के हालात चिंताजनक बताए जा रहे हैं। आज मथुरा के शमशान में हृदय को झंझोर देने वाला वाक्या घटित हुआ है, जब एक बेटी ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। उसकी अश्रुधार रुकने का नाम नहीं ले रही थी, बार बार पिता को याद कर रही थी। वह बार बार रो रो कर ईश्वर से कह रही थी कि प्रभु अब और किसी के सिर से पिता का साया ना उठे। कोरोना के कहर ने आज 5 बेटियों के सिर से पिता का साया छीन लिया है। हालांकि 5 बेटियां शादीशुदा हैं।